आज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है भाई। तो बने रहिए, आज की वीडियो में मस्त मस्त बहुत सारी नदियाँ दिखाई दे रही है भाई। इधर भी आई, इधर भी आई और आगे भी आएगी, तो चलते हैं आगे लेते हैं सफर के कौन कौन से नज़ारे आएंगे यार। टंकार आ रहा अभी, तो वहाँ का नज़ारा यार देखता हूँ ना मैं, बहुत ही मस्त हो जाता हूँ। मन तो नहीं कहता यार क्या वीडियो बनाए, क्या करना है यार। मतलब ऐसे रास्तों में होकर गुजर रहे हैं, बड़ी कठिनाई भी बहुत हमारे लिए सोल है या प्रभु की माया का एहसास होने लग गया हमें। क्या है कि यार भाई हमें कोई तकलीफ दुख दर्द तो है नहीं, मगर वो हाल चाल मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बता ही दूंगा आपको तो प्रभु मेरी परीक्षा भी ले सकते हैं। तो इसलिए मैं जो भी हाल चाल होगा आपके भाई का वो सब नज़दीक चलने के बाद ही बताएंगे यार। वहाँ द्वारका पहुँच जाएंगे ना तब बताएंगे, फिर द्वारका फिर तो थोड़ी दूर रह जाएगी, द्वारका फिर तक का भी नज़ारा दिखाएंगे, वहाँ प्रभु का कैसा स्थान है, कैसी नगरी है, वो सब कुछ दिखाऊंगा यार मैं आपको भाई। अगर सब्सक्राइब नहीं की हो ना तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लो यार भाई। वीडियो आप देखते हो यार, मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे नहीं है यार, क्या मतलब है ये? तो आप भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और सीताराम बोल दो। इधर पानी क्या भाई खा रहा है यार, बिस्लरी की बोतल साथ रखनी पड़ती है भाई। तो ऐसी बोतलें मिलती है, पी लेते हैं, फेंक देते हैं, फिर ले लेते हैं, सादा पानी तो पी नहीं सकते, तो ऐसा ही कुनैन का पानी पीना पड़ेगा अब तो भाई। ऐसा तो पानी का तो चलता रहता हमारा जुगाड़ सिस्टम, कोई बात नहीं है। ये कुछ नाश्ते क्या यार, कुरकुरे क्या पता क्या इसमें, खोल खोल के देखेंगे सब कुछ, चिप्स बिस्कुट भी यार क्या क्या यार। बहुत वजन है भाई मेरे पास, करीबन यार वजन तो बहुत ही है भाई, तोल के तो नहीं देखा मैं, मगर बहुत सारा आइटम है तो वजन तो होगा यार। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं आती, वजन नहीं लगता है, हम चलते हैं आराम से। और भाई अब कर लेते हैं नाश्ता, सबसे पहले इस वाली को फाड़ते हैं यार, क्या निकलता है। ओए चिप्स निकले यार, चिप्स चिप्स खा लो, आनंद आ रहा है भाई। सीताराम बोलते हैं खा लेते हैं, थोड़े बहुत कर लेते हैं कम यार, वजन बहुत ज्यादा है। भूख वूख तो नहीं लगती हमें, कोई तकलीफ नहीं, भूख का तो एहसास ही नहीं यार, भूख भी होती है, हम तो फुल ही रहते हैं हमेशा भाई। अब यहाँ से हमने ले लिया बैग और अब चलते हैं आगे, अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ दिखाते हुए चलेंगे आपको, लोकेशन कैसा आता है, क्या मजा आएगा यार। स्नान करेंगे यार थोड़ी दूर पे, क्या पता बैठेगी व्यवस्था कुछ, तो विश्वास है आगे बढ़ने के बाद में आपको बताऊंगा देख व्यवस्था किस प्रकार की बैठती है भाई। क्या मस्त लोकेशन दिखाई दे रहा है भाई, फिल्मी नजारा है भाई, क्या मस्त मस्त सीन दिखाई देता है। वहाँ पे नहाने की व्यवस्था बैठ गए यार, बहुत खोल लेते हैं, कर लेते हैं फटाफट से स्नान यार, तो नहाने की मौज ही आ जाती भाई, क्या मस्त सीन है यार। यहाँ पे हो गए हमारे स्नान, बढ़िया नाली है झकास मस्त तरीके से, अब ले लेते हैं हमारे कपड़े वपड़े, उठा लेते हैं बैग और चलते हैं यहाँ से आगे। इधर क्या है, समुद्र की लटक आ गई भाई, समुद्र से आने वाली कई नदियाँ का नजारा दिखाते हुए चलेंगे मैं आगे। समुद्र से निकल निकल के बहुत सारी नदियाँ दिखाई दे रही है भाई, इधर भी आई और आगे भी आएगी, तो चलते हैं आगे लेते हैं सफर। धनीदार नजारों के साथ हम सफर में आगे बढ़ते हैं भाई, और झिलमिल रास्ता दिखाएंगे आपको, चले आगे चलते हैं यार, देखते हैं कैसा नजारा आता है। भगवान क्या मस्त वाला लोकेशन फीलिंग मार रहा है यार, देख लो यार क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है भाई, मस्त मस्त लोकेशन है। ठंडा मौसम रहता है यार, पता ही नहीं चलता है कि कितने बज गए कितने नहीं बजे, तो भाई 12 बज गए। यहाँ से पानी की बोतल वोतल भी पड़ ली है यार, आगे चलते हैं यार भाई, बरसात भी आ गई यार, अब क्या करें, देखते यार आगे थोड़ी सी दिखाई दे रही है, चलते हैं वहाँ पे। ओ भाई ट्रैफिक आ रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ यार ब्रिज से आगे, भाई जिधर देखते हैं उधर पानी पानी है, और इधर देखो आप ये ब्रिज से इधर होकर निकल रही है भाई, ये नदी है भाई, ये समुद्र से लटक आती रहती है, ऐसी बहुत सारी मिलेगी आपको। तो ये गौशाला यार, मैं तो यहाँ उड़ गया पानी वानी पीने के लिए, तो इधर देखो मंदिर भी बना हुआ है, बहुत अच्छा लोकेशन है, मस्त। भगवान देखा आपने सौराष्ट्र में बैलगाड़ी का नजारा, क्या बड़े बड़े सिंगों वाले बैल है, इधर तो ऐसा है भाई देसी राट का। इधर ये ब्रिज तो टूट रखा है, हाईवे तो उधर है, और ये टूटे हुए ब्रिज से हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, क्या है कि हम तो पैदल है ना, तो निकल जाएंगे इससे आगे। इधर की खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हो भगवान, क्या शानदार मस्त वाली फीलिंग होती है यहाँ पे यार, ऐसे नज़ारों के साथ हम आपको लेके चलते हैं आगे। चलते हैं यार, इधर आप देख सकते हो रामसा पीर का मंदिर है, तो वहाँ पे चलते हैं और यहाँ का दिखाता हूँ मैं आपको शानदार नज़ारा, आप देख सकते हो यार यहाँ की खूबसूरती बहुत ही मस्त दिखाई देती है भाई। इधर का खेतों का नज़ारा बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई देता है, खेत बिल्कुल समतल है यार, देखो ऐसे खेतों को भाई बैलों से हाँकते हैं। सौराष्ट्र का नज़ारा मेरे को भाई बहुत ही देसी अंदाज में लगा भाई, बहुत ही पुराने जमाने के जैसा लगता भाई, बहुत ही सुंदर लोकेशन दिखाई देता है यार। चीकू के बड़े बड़े पेड़ है भाई, बहुत बड़ा बगीचा है यहाँ पे, आप देख सकते हो शानदार का लोकेशन मिलता है यहाँ। लंबा सफर पड़ता है भाई,
जामनगर तक का। आज के चैलेंज सफर का विराम कहाँ रहता है वो तो भाई चलने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो हमें कोई पता नहीं है। चैलेंज सफर को 34 दिन पूरे हो चुके हैं और शाम के 7 बज चुके हैं भाई, आज का तो विराम हम यहीं रखने वाले हैं।